बात है, तुमने पी नहीं है, जाओ पीछे जाओ, शशि जी ने बहुत बड़ा बार खोला। शशि जी आपके लिए मैं दो मिठाइयों के डब्बे लाया हूँ, पीछे रखवाए हैं मैंने। खैर राजन शाही जी कहाँ पर हैं? अरे वाह क्या हैंडसम लग रहे हैं सर। राजन आपके लिए मैं चार डब्बे लाया हूँ, क्योंकि रोज ये बंदा चार चार की टीआरपी दे रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां अनुपमा। कृष्णा भाई हाँ वेलकम यार, मेरे लिए क्या लायो? एग्जिट, तेरा काम खत्म, अब मैं होस्टिंग में आ चुका हूँ। इंडियन टेलीविजन के जितने होस्ट हैं, मनीष पॉल, आदित्य नारायण, अपने घर का है वो हर्ष लिंबुचिया, सबका पैकअप। सबका पैकअप, एक और एंकर का नाम भूल गया, कपिल शर्मा। मजाक कर रहा था मैं। कमाल है यार तू, हर बात को मेरी सीरियस ले लेता है ना? ऐसी बात नहीं, कपिल इज द बेस्ट। कृष्णा भाई मजाक भी तुम करो, एंकरिंग भी तुम करो, डांस भी तुम करो, और मैं यहाँ बालिका वधू को आशीर्वाद देने आया हूँ। नहीं 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 ऐसी बात नहीं, ये भी बहुत बड़े बड़े काम करता है। अभी मैं पीछे देख रहा था, शशि रंजन जी को हाथ जोड़ के कोट पहना रहा था ये। सही बात, पहनो ना सर, बहुत बढ़िया। अब जो आदमी कोट पहनेगा और कोट ही पहनाऊंगा ना, आपकी तरह थोड़ी भाई हर कोई पेटी कोट पहन के घूम रहा है। ये सारी बातें छोड़ो यार, कृष्णा भाई मेरे को एक बात बताओ, आज आप स्टार टीवी पे कैसे? ये देखो आग लगा रहा है। स्टार टीवी पे कैसे, ये भी तो पूछ सकता था। आप ITA पे कैसे? सर इतना बड़ा ये कलेशु है ना, इतना बड़ा कलेशु, इसको सीरियल में तो ननद का रोल दो, कितना कलेश डालेगा, चार के आपकी छह की TRP आएगी सर। क्या बात है अनुपमा जी, अरे एक वो गांगुली है जिन्होंने पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को संभाला हुआ है, और एक ये गांगुली है जिन्होंने पूरे स्टार टीवी को संभाला हुआ क्या है। क्या बात, करण सर भी कितने हैंडसम लग रहे हैं, कितने कितने कमाल के आदमी। मैं आप लोगों को बताता भाई, एकता कपूर ने जितनी नागिनों को दूध नहीं पिलाया ना, उससे ज्यादा ये बंदा इंडस्ट्री में कॉफी पिला सकता। बिल्कुल सही बात है, ये एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जज हैं, एंकर हैं, सारे काम बाबा यही करते हैं। हम तो भैया इस धरती पे सिर्फ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैदा हुए। यार एक बात बताओ, यार इतनी कमाल की एक्टिंग करते हो भाई, डेली सोप कर लो कोई। डेली सोप? हाँ। अरे डेली सोप बड़े ऑफर होते हैं मुझे, असित मोदी जी है ना। हाँ। छह महीने से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, कृष्णा तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर ले, वो बबीता जी है ना 3 महीने के लिए बाहर जा रही है। हाँ। तो तू बबीता का रोल कर ले। मैंने कहा सर नहीं, मैं इतने सालों से इतना बबीता बन चुका हूँ कि अब मेरे अंदर का जेठालाल जो है ना वो मरे जा रहा है, अब मैं लड़की का रोल नहीं करूंगा, मैंने डिसीजन ले लिया। कोई बात नहीं, आप टीवी शो मत करो। हाँ। इतने कमाल के डांसर हो भाई। हाँ, हाँ। डांस प्लस क्यों नहीं करते? डांस प्लस डांस शो थोड़ी है। हाँ, वो तो वो क्या बोलते हैं, राघव और वो जो लड़की कौन है, शक्ति, शक्ति उसका रोमांटिक सीरियल है वो। अरे नहीं भाई, रोमांटिक सीरियल में आपको ससुर चाहिए, देवर चाहिए। है ना, ससुर का रोल रेमो करता है और देवर का रोल सलमान करता है। फिर क्या करने का मन क्या है आप? मैं सोच रहा हूँ भैया कोई इंडियन आइडल जैसा शो करें। इंडियन आइडल से याद है, कब वापस कब आ रहा इंडियन आइडल अपना? जैसे ही नेहा अमेरिका से वापस आ जाएगी। हाँ। इंडियन आइडल वापस आ जाएगा। अमेरिका क्यों गई? वो अमेरिका अपने आंसू भरवाने गई। हाँ, वो वाटर टैंक का जो सप्लाई है ना वो भरवाने गई है वहाँ। अम्बोली में नहीं भरवाती थी वो, उनका स्टॉक खत्म हो गया। तो जैसे ही वो वहां से लौटेंगी टैंकर शुरू होगा, शो उनका शुरू हो जाएगा। चलो बढ़िया यार, देखो कृष्णा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये रोने धोने वाली बातें नहीं करेंगे, आज ITA अवार्ड्स है, हम हंसेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, शो शुरू करते हैं। बिल्कुल शो शुरू करते हैं, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। ओ भाई बढ़िया लग रहे हो, कहाँ चेंज? नहीं नहीं मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ब्यूटीफुल भी लगना है।